देश में हो रहे बहुत बड़े भयंकर आंखों के दर्द, स्वजन स्वेलिंग, आंख का लाल होना बहुत तेजी से फैल रहा है वायरस। बड़े बड़े एमबीबीएस एमडी और रिसर्च जैसे डॉक्टरों का सबसे बड़ा मानना ये रहा है कि ये कोई आम वायरस नहीं है, ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है, ये आंखों की सबसे बड़ी पट्टी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी वैसी वायरस नहीं है, ये कंजक्टिव वायरस है। आंख की बहुत बड़ी बीमारी है जिसे सभी किसी के व्यक्ति के एहसास हो कि आंख में स्वेलिंग आ रही है, आंख में जलन हो रहा है, आंख दर्द महसूस कर रहा है, तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। आप देख ही पा रहे हैं ये सब तस्वीरें, ये जैसे पिक्चर देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा हलचल मच चुका है हमारे इंडिया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, इन सब जगहों पर इसका बहुत बड़ा भयंकर वायरस पहुंच रहा है। जी हाँ, मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक रिसर्च के दौरान यह पता चल गया है कि इस वायरस का नाम है कंजक्टिव वायरस, जिसे हम आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। समझिएगा आप, ये बहुत छोटा मोटा कोई ये फ्लू वायरस है, और इसके चलते कुछ डॉक्टरों का ये मानना है कि और कई जगह पर तेज बारिश की वजह से ये आंख पर छींटे पड़ने की वजह से ये जाहिर सी बात है उनकी आंख का लाल हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी, फिर भी वहां आंखें लाल हो रही हैं। क्या ये बात पूरी तरीके से सच है कि कंजक्टिव वायरस ही है आंख का लाल होने का सबसे बड़ी बीमारी? क्या कंजक्टिव वायरस है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये बने रहे हमारे साथ, और मैं विकास आपके साथ हूँ, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी खबरों को आपके साथ सुनाने के लिए मैं हमेशा बात रहता हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर विकास शुनकर के नाम पर रिसर्च करिएगा, आपको ढेर सारी सी प्लेलिस्ट मिलेगी, और आप रिसर्च कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मैं हमेशा आपके साथ लाता रहूं। मैं रिसर्च के दौरान, मुझे भी कुछ पता चला है इस फील्ड में रहने से कुछ चीज़ का अनुभव हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये जो भयंकर बीमारी फैल रही है, कभी कभी आंख का लाल हो रहा है, आंख में सूजन आ रही है, आंख बहुत तेजी से आंख में स्वेलिंग हो रहा है, आंख में सूजन आ पा रही है, और साथ के साथ आंख कभी भी आप अपनी आंखों में जरा सा भी ऐसी कोई नुक्से दिखाई दे रहे हैं माय डियर, तो आप किसी ऐसे डॉक्टर, किसी ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए जो आपका इसका भरपूर इलाज बता सके, और जैसा कह रहा वैसा करिए। सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन स्वयं देना पड़ेगा, सावधानी स्वयं बरतनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, आपको जानकर हैरान होंगे कि हमारे पीएम मोदी ने कुछ स्कूलों में 2-4 दिनों के लिए स्कूल में बंद रखा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे समस्त संसार में। जिस तरह कोविड-19 ने अपना कर 2 ईयर्स पूरे 2 साल मचाए रखा था, आज हमारे भारत के लोगों ने एकता, राष्ट्रीय एकता में इतनी पावर होती है, उन्होंने इस चीज को भी हराया, मास्क लाया, 2 गज की दूरी बनाया, और इस कोविड-19 को दूर भगाया। जी हाँ माय डियर ऑडियंस, आपको भी मैं कह रहा हूँ, अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए सुबह आप कहीं से आते हैं, अपने हाथ को वॉशिंग बहुत बेहतरीन तरीके से वॉशिंग करें, और दूसरी बात यह है कि आप तौलिए अपने साफ करें अपनी आंखों, और कहीं कीचड़ वगैरह पहरा तो उसको अच्छे प्रकार साफ करें। शाम को सोते समय अपनी माँ का दिया हुआ काजल को लगाएं, बेहतरीन तरीके से लगाएं, ताकि सुबह आपकी आंख बहुत अच्छी दिखे, क्लीन दिखाई दे। जिस तरीके से आप शरीर की सफाई करते, उसी तरीके आपको आंख की भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा, उसको भी सफाई करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में ऐसी कोई नाम की बीमारी देखने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं एक अपनी तरफ से देसी जुगाड़ बताऊं तो आपको सबसे पहला कहर दिखाना है माय डियर। अगर मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए अगर मैं बता दूं कि सुबह उठो तो ठंडे पानी, वही जो बासी वाला पानी रखे थे, ठंडा पानी उसे एक छिट्टा मुंह में मारो, ताकि आप आंख क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। इधर उधर का ड्रॉप आप डालने की कोशिश ना करें, आंख में देख रहे हैं, पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको इधर उधर का ड्रॉप बिल्कुल भी डालना नहीं है। अगर आपकी आंखें लाल दिखाई दे रही हैं, आपकी आंखें सूजन दिखाई दे रही हैं, आपकी आंखों में बहुत ढेर सारे कचरा मचा रखा है, दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अगर मॉनसून आते ही आंखों में संक्रमण की समस्या बन जाती है, इसीलिए बरसात के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आजकल आंखों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। नेत्र योग में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले आ रहे हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बरसात के मौसम में बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखें। बारिश में भीगने के बाद आंखों को साफ पानी से धोएं। ये इसलिए कि बारिश के पानी में धूल के कण पाए जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आंखों को धोने के बाद स्वच्छ कपड़े से जल्दी साफ करें। मतलब है कि आई फ्लू के मामले हर राज्य में बढ़ रहे हैं। अब आपको आई फ्लू के लक्षण बताते हैं। आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है, पलकों पर पीला या चिपचिपा तरल जमा होने लग जाता है, आंखों में चुभन और सूजन आने लग जाती है, आंखों में खुजली होना एक लक्षण है, और आंखों से पानी आना भी आई फ्लू का लक्षण होता है। अब आपको बता दें कि आप अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखते हैं। आंखों को गंदे हाथों से ना धोएं, बच्चों को बार बार आंखों को मलने और छूने से रोकें, आसपास किसी को आई फ्लू की आशंका लगे तो आंखों को साफ पानी से धोएं और ठंडे पानी से सफाई करें। अगर किसी को घर में आई फ्लू की दवा डालते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं। आंखों में लाली, जलन और खुजली होने पर चिकित्सक की सलाह लें। खुद से दवाई न डालें। दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे तौलिए इत्यादि अलग रखें और किसी को इस्तेमाल न करने दें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो संक्रमण के दौरान इन्हें न लगाएं और अपने चिकित्सक से सलाह लें। बरसात में बच्चों को पानी से भरे गड्ढों और पोखरों से दूर रखें, क्योंकि अधिकतर इन्हीं स्थानों से बैक्टीरिया पनपते हैं। ताज़ा खाना